हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकाज किचन। आज मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पास्ता को बॉयल करके ठंडे पानी से धो करके अलग कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉयल करके छान लिया है। बॉयल करने के बाद इसे तुरंत ठंडे पानी से धुला जाता है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच बटर ऐड करूँगी। इसमें मैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच तक मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा मतलब ऑल पर्पस फ्लोर। और इसे स्पून से ना मिक्स करके मैं यहाँ पर विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे फ़र्क ये रहेगा कि जब हम स्पून से इसकी मिक्सिंग करते हैं तो इसमें लम्स रह जाते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 ग्लास उबाल कर ठंडा किया हुआ मिल्क। इसे एक बार में नहीं डालना है बल्कि थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें और स्टर करते जाएंगे। मिल्क भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है तो अब इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। एज टू टेस्ट इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। इन्हें भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें बॉयल किए हुए पास्ता ऐड करेंगे। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी सा पास्ता तैयार होता है। अब अगर आप चाहें तो इसमें से एक्स्ट्रा स्पाइसी अगर करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बढ़ेगा, साथ ही ये थोड़ा और स्पाइसी भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा क्रीमी क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। वापस इसे हम हल्का सा गार्निश कर लेंगे ऑरिगैनो से। हल्का सा चिली फ्लेक्स भी अलग से डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसे स्पाइसी बनाएंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।